चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं फटाफट से। अ कार ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर लेफ्ट देहरादून एट 3 PM, ठीक है, और 1 आवर लेटर अनदर कार ट्रैवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, ओके, एंड एंड ऑन द सेम रोड टू ओवरटेक द फर्स्ट कार हाउ लॉन्ग मस्ट द सेकेंड कार ट्रैवल, ठीक है, तो कितने घंटे चली होगी। अच्छा डिस्टेंस, बच्चे डिस्टेंस बता रहे हैं, डिस्टेंस नहीं इसमें टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो वी विल कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस ऑल्सो, ठीक है, ओके, क्योंकि डिस्टेंस दोनों की सेम होगी, ओके, 240 किलोमीटर इज राइट आई थिंक सो, बट फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द टाइम, ओके, तो दिया क्या है पहले इस क्वेश्चन को समझना कि व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, सो देयर इज अ कार एट देहरादून, सपोज दिस पॉइंट इज देहरादून, ठीक है, तो ये कार देहरादून से चली, ठीक है, दिस पॉइंट इज देहरादून, देहरादून से कितने बजे चली, 3 बजे शाम के, 3 PM, 3 बजे चली 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 चली, सपोज ये 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चली, ठीक है, एक घंटे बाद एक और कार चली, ठीक है, एक घंटे बाद, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें एक घंटे बाद कार यहाँ पहुँच गई, सपोज 4 PM यहाँ पर बज रहे हैं, ठीक है, तो ये कार यहाँ पहुँच जाएगी और 4 बजे दूसरी कार इसी पॉइंट से चलेगी 4 PM, ठीक है, ओके, 1 आवर लेटर अनदर कार ट्रैवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, और ये जो कार दूसरी कार जो चल रही है इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड ऑन द सेम रोड टू ओवरटेक द फर्स्ट कार, तो आप ये सोचो कि अराउंड यहाँ पर इस पॉइंट पे, ठीक है, ये पॉइंट को मैं पी बोलता हूँ, सपोज इस पी पॉइंट में ये जो दूसरी कार है इसने ओवरटेक कर लिया, इसने इस यहाँ पर इसको पकड़ लिया, ठीक है, तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए क्योंकि स्पीड उसकी ज्यादा है तो उसने इसलिए पकड़ लिया, ठीक है, तो ये जो 4 PM टू ये जो पॉइंट पी तक का जो टाइम है दैट टाइम इज T1, सपोज इसको आप T1 ले लो, तो इस दूसरी कार, सपोज ये कार ए है और ये कार बी है, तो कार बी का भी जो टाइम होगा पी पॉइंट में पहुंचने में दैट विल बी T1 ओनली, ठीक है, मैं इसको ये कार ए है और ये कार बी है, ठीक है, दोनों केसेस में व्हाट इज गिवन टू यू दैट डिस्टेंस विल गोइंग टू बी सेम, ठीक है, डिस्टेंस विल गोइंग टू बी सेम, तो डिस्टेंस इन द फर्स्ट कंडीशन विल बी सेम एज डिस्टेंस इन द सेकेंड कंडीशन, ठीक है, अरे डिस्टेंस तो सेम ट्रैवल कर रहे हैं ना वो, ठीक है, देहरादून से कोई कार गई सपोज मसूरी, ये जो पी पॉइंट है ये मसूरी है, ठीक है, मसूरी देहरादून से कोई, और ये जो 4 बजे ये जो बीच में एक पॉइंट है सपोज दिस पॉइंट इज मैगी पॉइंट, ठीक है, एक जगह है मैगी पॉइंट, ओके, सपोज दिस इज मैगी पॉइंट, ओके, तो जब पहली कार ए जब मैगी पॉइंट में पहुंची थी तब कार बी ने देहरादून से जर्नी स्टार्ट करी और उस कार ने जो कार ए है उसको मसूरी में पकड़ लिया, तो दोनों ने तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करी ना, बोथ हैव ट्रैवल्ड द सेम डिस्टेंस, ओके, सो डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2, अब आपको ये तो पता ही है फॉर्मूला, यू नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, सो डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, ओके, सो डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम, तो ये जो डिस्टेंस 1 है ये कार ए के केस में है, तो दिस विल बी, ठीक है, ये कार ए के केस में है और ये कार बी के केस में है, ठीक है, तो मैं उसी तरीके से लूंगा, अब डिस्टेंस को क्योंकि हम इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है, पहले इसको समझ लो अच्छे से, अरे मैगी पॉइंट इज अ प्लेस, जगह है कोई, वो बच्चे पूछ रहे हैं व्हाट इज मैगी पॉइंट, ठीक है, ओके, तो यहां पर क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो पहले वाली कंडीशन में स्पीड कार ए की स्पीड कितनी है 60, ठीक है, मैं पहले ऐसे लिख लेता हूँ, स्पीड ऑफ ए इनटू टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बी इनटू टाइम ऑफ बी, अच्छा स्पीड ऑफ ए कार की स्पीड कितनी है, ए कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना है, टोटल जर्नी का टाइम ध्यान से देखना, ठीक है, पहले एक घंटा ले रही है वो मैगी पॉइंट कार ए, फिर उसके बाद T1 टाइम ले रही है, तो T1+1 हो जाएगा, T1+1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बी कार की स्पीड कितनी है 80 इंटू टाइम कितना ले रहा है पूरा, देखो T1 ले रखा है मैंने, T1, तो यहाँ से T1 आ जाएगा बहुत ही ईजली यू कैन कैलकुलेट T1, टाइम टेकन बाय कार बी, वही तो पूछा है, सेकेंड कार कितने टाइम लगाएगी, और डिस्टेंस भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सो दिस विल गोइंग टू बी 60 T1,
ओके प्लस 60 इज इक्वल टू 80 टी वन, ठीक है। सो दिस विल बी 80 टी वन माइनस 60 टी वन इज इक्वल टू 60, सो इट विल गोइंग टू बी 20 टी वन इज इक्वल टू 60। तो टी वन कितना आ गया, 3 आवर्स। ओके तो 3 आवर्स लगा, 3 आवर्स लगा किसको, कार टू को। टी वन इज द टाइम टेकन बाई कार बी ना, सो कार बी टुक 3 आवर्स, 3 आवर्स टू ओवरटेक कार ए, ठीक है। हम चाहें तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, वी कैन इवन कैलकुलेट द डिस्टेंस, ठीक है। हम चाहें डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, किसी भी कंडीशन से निकाल लो आप, आपको डिस्टेंस टू हो या चाहे डिस्टेंस वन हो तो सेम है। डिस्टेंस इक्वल टू, मैं कार बी के केस में ले रहा हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ बी इनटू टाइम ऑफ बी, टाइम ऑफ बी ऑलरेडी आ चुका है मेरा कितना है, टाइम ऑफ बी कितना आ चुका है, बी कार का टाइम थ्री आवर्स। सो स्पीड ऑफ बी कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर, इनटू टाइम कितना है, 30, सो दैट विल बी नथिंग बट 240 किलोमीटर, ठीक है। ओके अरे कृष्णा आई हैव सीन योर मैसेज, ठीक है, मैं देख रहा हूँ तब से कंटिन्यूसली, ओके मैं तब से देख रहा हूँ। सो डिस्टेंस इज ऑल्सो 240 किलोमीटर और टाइम भी आ चुका है हमारा कितना, 3 आवर्स। सो कार बी हैज टेकन 3 आवर्स टू ओवरटेक कार ए, ठीक है। हाँ हाँ कृष्णा मुझे पता है, सेइंग कि मैंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे इसमें आपको, अरे ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल है, पहले आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इसमें एक गाड़ी ट्रैवल कर रही है, सपोज एक गाड़ी है, सपोज मैं कृष्णा का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सपोज कृष्णा और मैं, सपोज कृष्णा को देहरादून से हरिद्वार जाना है सपोज, ठीक है। तो कृष्णा 1 घंटे पहले निकल गया मुझसे और रस्ते में किसी जगह में पहुंचा, तब मैं 1 घंटे बाद निकला और मैंने कृष्णा को हरिद्वार में पकड़ लिया में पहुंचे, इसका मतलब कृष्णा तो मुझसे 1 घंटा पहले चला था, लेकिन डिस्टेंस तो हमने सेम ट्रैवल करी है ना, तो वो हिंट है कि डिस्टेंस हमने सेम ट्रैवल करी है। मेरी स्पीड ज्यादा थी तो इसलिए टाइम कम टाइम में मैंने वो डिस्टेंस ट्रैवल कर दी जितने कृष्णा ने करी, ठीक है। तो 1 घंटे बाद मैं चला देहरादून से, तो मैं और हम लोग सेम टाइम में फिर हरिद्वार पहुंचे, ओके। तो जो कृष्णा का टाइम था, कृष्णा ने टाइम ट्रैवल किया, वो मुझसे 1 घंटा ज्यादा किया क्योंकि मुझसे 1 घंटा निकल गया था। फॉर एग्जाम्पल कृष्णा अगर 4 बजे निकला, ओके 4 बजे निकला और कृष्णा अगर 6 बजे हरिद्वार पहुंचा है, तो कृष्णा ने 2 घंटे लिए, मैं निकला 5 बजे और मैं भी 6 बजे हरिद्वार पहुंचा क्योंकि हम हरिद्वार सेम टाइम में पहुंचे, तो मुझे लगा 1 घंटा, कृष्णा को मुझसे 1 घंटा ज्यादा लगा। तो इसलिए टाइम अगर आप यहाँ देखो, ये जो कृष्णा का टाइम है, दिस आई हैव टेकन T1 प्लस 1, 1 घंटा ज्यादा मेरा टाइम क्योंकि T1 है और कृष्णा का टाइम मुझसे 1 घंटा ज्यादा है, डिस्टेंस को इक्वेट कर दिया, खत्म कहानी। ओके